थाना चिलकाना पुलिस ने चार शातिर लुटेरों को चिलकाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिलकाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिलकाना पुलिस ने चार शातिर लुटेरे अंकित, दीनदयाल, विपिन एवं अमन को चिलकाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, तीन नजायज चाकू, तीन मोबाइल फोन, 1500 रुपये नकद, दो मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसको लेकर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संबंधित जानकारी दी। सर, क्या पूरा मामला है सर, थाना चिलकाना का जो लुटेरे पकड़े गए हैं, किस तरीके से लूट को अंजाम दे रहे थे, किन लोगों के द्वारा इनको पकड़ा गया है और कैसे पुलिस को खबर मिली? जी हाँ, कल रात को करीब 9:30-10 बजे के बीच की सूचना है। वादी द्वारा सूचना दी जाती है कि जब वो गांव गुमटी और बड़गांव के बीच में जो रास्ता पड़ता है थाना क्षेत्र चिलकाना में, जब वहाँ से वो अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, तभी चार लड़के एक मोटरसाइकिल पे आए, उसको तमंचा दिखाया, चाकू के बल पर उससे मोटरसाइकिल और उसका पर्स छीन लिया। वो जब मोटरसाइकिल और पर्स उसने छीन लिया तो वो चार जो लुटेरे थे वो दो मोटरसाइकिल में हो गए, दो दो के पैर में, और उसके बाद वहाँ से भाग निकले। ये जो वादी था, वादी ने अपने भाई से मदद ली, उसके पीछे वो बाइक पे बैठा, उसके पीछे पीछे वो उन्होंने पीछा किया, और ग्रामीणों जो वहाँ के ग्रामवासी गाँव वाले थे, उन्होंने भी बताया कि किस डायरेक्शन में वो गया है। इस तरह से पूरी घटना को आपस गाँव वालों ने और ये वादी ने खुद ही उसमें से तीन लुटेरे पकड़ लिए। अपनी पीआरवी भी वहाँ पे सूचना पीआरवी को मिल गई थी, पीआरवी पहुँच गई और अपनी स्थानीय पुलिस भी पहुँच गई। मौके से तीन लुटेरे पकड़ लिए गए थे। फिर जब इन तीनों लुटेरे से पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने चौथे का नाम बताया जो कि अमन था, और चौथे जो लुटेरा है अमन, उसको भी चिलकाना पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। जी, थाना क्षेत्र सरसावा के चारों रहने वाले हैं। जी हाँ, इसमें से दो का पुराना आपराधिक इतिहास है। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके द्वारा दो तीन नाम बताए गए हैं, अभी उनका बेसिकली ये वेरीफाई नहीं हो पाया है कि जो उन्होंने बताया वो ठीक है नहीं ठीक है, वो हमारे विवेचना का इशू है, उसको विवेचना में लाकर हम जहाँ से इनका सोर्स है तमंचे का, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। क्या कोई एजुकेटेड भी है सर इनमें? जी नहीं, ऐसी अभी तक इनके द्वारा पूछताछ बताया गया था, पढ़े लिखे नहीं है। सर, क्या इस तरह की घटना इन्होंने पहले भी की, लूटपाट की, सरसावा से चिलकाना तक आए हैं? हाँ, इनसे पूछताछ की है, तो एक हमारे रामपुर में इन्होंने बताया गया है, इन्होंने एक एडमिट किया है कि इन्होंने रामपुर में भी इसी टाइप की घटना करी थी आज से 4-5 महीने पहले, तो उस घटना के अनावरण को भी लेके इनकी रिमांड ली जाएगी, और वो जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी उसको भी रिकवर कराया जाएगा रिमांड पे लेके। पुलिस ने अच्छा फुटबॉल किया है सर। जी, क्या कुछ इनाम? जी हाँ, इसमें एसएसपी सारण सर को मैंने रिकमेंड किया है कि जो टीम इसमें रही है, इन्वॉल्व रही है, इवन जो हमारे पीआरवी वाले हैं जो वहाँ पे सूचना पाते ही पहुँच गए हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाए। मंडी रोड स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में युवा कल्याण विभाग द्वारा कार्यक्रम किया गया आयोजित, खेल प्रोत्साहन सामग्री की गई वितरित। आपको बता दें, महानिदेशक युवा कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त खेल प्रोत्साहन सामग्री युवा कल्याण विभाग द्वारा इस्लामिया इंटर कॉलेज मंडी रोड पर कार्यक्रम के दौरान वितरित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी मांगेराम पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए युवक एवं युवतियों को खेल प्रोत्साहन सामग्री वितरित की। आज हमारे विभाग के द्वारा, युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा, जनपद सारणपुर में खेल प्रोत्साहन किट का वितरण किया गया, जो कि ग्रामीण लेवल में युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को आज खेल की प्रोत्साहन सामग्री वितरित की गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और हमारे खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी के द्वारा ग्रामीण लेवल में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए ये खेल कूद सामग्री शासन से यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई थी, जिन्हें आज दिनांक 21 तारीख को माननीय विधायक नकुल और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी के द्वारा इस्लामी इंटर कॉलेज के हॉल में सहारनपुर में सामग्री कराई जा चुकी है, और युवक मंगल दलों को भी वृक्षारोपण और सामाजिक कार्यों में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए भी एक कदम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उठाया गया है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग युवती ने फांसी लगाकर लगाया मौत को गले, थाना कुतुबशेर क्षेत्र के बुड्डी माई चौक की घटना। आपको बता दें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र के बुड्डी माई चौक के पास एक नाबालिग युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। मिली जानकारी के अनुसार, माँ की डांट से नाराज
13 वर्षीय युवती अपने ही कमरे में फांसी के फंदे पर झूल गई। घटना के तत्काल बाद परिजनों ने मोहल्ले के लोगों की मदद से युवती को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। युवती की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जिला चिकित्सालय में पीड़ित परिवारजनों के साथ मोहल्ले के लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाते हुए घटना की जानकारी ली। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र राकेश कुमार को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक नाजायज छुरा भी बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक सचिन पुनिया, हेड कांस्टेबल अमरपाल, हेड कांस्टेबल नवजीत सिंह मौजूद रहे। पुलिस लाइन परिसर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण कर परिवहन शाखा व डायल 112 वाहनों को किया चेक। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा पुलिस लाइन में परेड की सलामी ग्रहण करने के पश्चात पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर परिवहन शाखा व डायल 112 वाहनों को चेक किया गया तथा मैस में खाने की गुणवत्ता को भी परखा गया। क्वार्टर गार्ड में भी सलामी ली गई, तत्पश्चात टॉयलेट की साफ सफाई देखी गई। इसके बाद पुलिस कर्मियों का अर्दली रूम भी किया गया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु दो अभियुक्तों को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान अभियुक्तगण अजीम एवं इरशाद द्वारा पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा किया गया, जिसको लेकर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एवं अपराध घटित होने से रोकने शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु दोनों अभियुक्तों को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों अभियुक्तों को पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने ढोली खाल में चलाया पटाखा छोड़ने वाली बुलेट बाइक के खिलाफ अभियान। एक बुलेट बाइक का 25,500 रुपए का किया चलान। आपको बता दे, लगातार कुतुबशेर पुलिस को सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में कुछ लोग बुलेट बाइक में पटाखा लगाकर सड़कों पर पटाखे बजाते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी सतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ढोली खाल में बुलेट बाइक के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पटाखा लगी हुई एक बुलेट बाइक का 25,500 रुपए का चालान भी किया गया, जिससे बुलेट बाइक चालकों में हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण कार्यवाही हेतु बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान तथा संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों की समन्वय समिति की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी द्वारा सभी को निर्देश दिए गए कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान में सभी अंतर्विभागीय विभाग लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अभियान के बाद भी सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ संक्रामक रोगों से बचाव हेतु आगे भी कार्यवाही करते रहे, जिससे संक्रामक रोगों से बचा जा सके। बैठक में अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा संचारी रोग अभियान के अंतर्गत ग्राम प्रधानों द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी 1768, ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधानों की 442 बैठक
VHNC की बैठक 442, पंचायत राज विभाग द्वारा शौचालयों का निर्माण किया गया, कुल 1753 नालियों की साफ सफाई कराई गई, नगर निगम द्वारा 70 वार्डों में नालियों को सफाई कराई जा चुकी है एवं 70 वार्डों में फॉगिंग कराई गई है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 203 कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए जिनमें से 51 अति कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती कराया गया, पशुपालन विभाग द्वारा 112 सुगर पालकों की बैठक कराई गई। सभासद द्वारा पत्रकार के विरुद्ध प्रयोग की गई अभद्र भाषा के विरोध में पत्रकारों ने थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की करी मांग। आपको बता दें, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गंगोह इकाई एवं प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने प्रदर्शन कर थाना गंगोह के थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया कि बसपा के एक सभासद पहल सिंह सैनी द्वारा अपनी दबंगई का परिचय देते हुए खुलेआम पत्रकार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें अभद्र टिप्पणी करते हुए अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसके विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गंगोह इकाई के अध्यक्ष अफजल खान और प्रेस क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में समस्त पत्रकारों ने एकजुट होकर थाने में अभद्र भाषा करने वाले सभासद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। कोतवाली में आया, क्या मामला है? ऐसा हुआ कि नगर पालिका में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभासदों के बीच विवाद चल रहा था, उसे निपटान करने के लिए 19 तारीख में माननीय SDM नकुट श्री अजय कुमार जी पहुंचे थे और उन्होंने बैठ के आपस में बातचीत कराई, समस्याओं के बारे में कहा कि भाई सब मिलजुल कर काम करें, ऐसी बात सबने स्वीकार की। फिर 9 सदस्य जिन्हें वाल्मीकि समाज के लोगों को नगर पालिका ने किसी दुराग्रह से या किसी भी वजह से उन्हें हटा दिया था, उनकी बहाली की बात की गई जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसका समाचार मैंने भी और मेरे अन्य साथियों ने भी सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। उस समाचार को लेकर एक सभासद ने अशोभनीय टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर मेरे ऊपर न जाने क्या क्या बातें लगाई, क्या क्या उसने कहा कि मैं घटिया दर्जे का पत्रकार हूं और ब्लैकमेल करने का काम करता हूं, इस तरह की बातें करते हुए उन्होंने वो जारी किया। तो ये बात बेहद शर्मनाक निंदनीय है। मेरे मौलिक कौन सी पार्टी से आते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी के सभासद हैं। तो इस बात से मुझे और मेरे सभी साथियों को बड़ी बुरा लगा। आम नागरिकों ने भी मेरे से कहा कि भाई इस तरह की घटिया बात करने वाले के खिलाफ पुलिस में तहरीर देनी चाहिए, पुलिस से एक्शन की मांग करनी चाहिए। आज उसी संबंध में हम कोतवाली पहुंचे और कोतवाल प्रभाकर केंतुरा जी को हमने ज्ञापन सौंपा और उनसे कार्रवाई की उम्मीद जताई। क्या आश्वासन दिया लोगों? उन्होंने आश्वासन ये दिया कि जो भी संभव हो सकेगा वो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। थाना नकुड़ पुलिस ने लूट की घटना का किया सफल अनावरण, 39 घंटों में अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना नकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना नकुड़ पुलिस ने मात्र 39 घंटों में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। क्या पूरा मामला था नकुड़ क्षेत्र का, जो सुनार की दुकान से सोना ले गए थे कुछ लोग, और कितने लोग थे इसमें और कितने बरामद गिरफ्तार हुए, क्या बरामद हुई है? देखिए, 19 जुलाई को जनक बाजार कस्बा नकुड़ क्षेत्र अंतर्गत एक सराफे की दुकान है, वहां पर 5 लोग अलग अलग जगह पर आए, उन्होंने योजना बनाई जिसमें कि 2 अभियुक्ता शामिल हैं, 3 अभियुक्त शामिल हैं और 1 व्यक्ति कुर्बान जो कि इनको फैसिलिटेट करने के लिए घटना में शामिल रहा। टोटल 6 लोगों का एक गैंग था जिन्होंने ये घटना की अंजाम दिया। इन्होंने पहले 2 महिलाएं आईं, उन्होंने अपने कुंडल साफ़ कराने के लिए सराफ को दिए कि इनमें इसको आप साफ़ करवा दीजिए। जैसे ही उनका जो हेल्पर है वो उसको कहीं और साफ़ सफाई के लिए लेके गए तो जो
ज्वेलर्स थे वहाँ पे नरेंद्र जी, वो काफ़ी वृद्ध अवस्था में हैं। उन्होंने देखा कि ये अभी अकेले हैं इस समय दुकान में, तो उन्होंने दो अन्य साथी जो हैं वो गए और उन्होंने ज्वेलरी देखने के बहाने उनसे ज्वेलरी का सामान लिया, और जैसे ही वो किसी अन्य काम में बिजी रह गए तो वो डिब्बा लेकर ज्वेलरी का भाग गए वहाँ से। साथ ही जो ये दो महिलाएं हैं और इनका ये जो तीसरा साथी है, ये भी अपना मौका देख के अलग अलग स्थानों पर ये लोग चले गए। फिर उन लोगों ने एक जगह पर बैठ कर जो है सामान का वितरण किया, और इसमें से कुछ सामान अभी बरामद किया है पुलिस ने, करीबन 86 ग्राम का, कुछ 36 ग्राम का इन्होंने सोना जो है इन्होंने बताया पूछताछ में कि गलवाकर एक ठोस सिक्का बनवा लिया है। बाकी जो अंगूठी, झुमकी और नाक की लौंग, कानों के कुंडल, ये सब इनसे बरामद किए गए हैं। जो इसमें मुख्य अभियुक्ता है शीबा, उसका काम यही है कि वो जो सराफे की दुकानों के कॉन्टेक्ट में आके जो 64% प्योरिटी का, 50% प्योरिटी का माल लेकर गांव में फेरी का काम करती है, और गांव में 70% प्योरिटी का बताकर गांव वालों को उसको बेचती है और प्रॉफिट कमाती है। इसी संबंध में धोखाधड़ी में ये पहले मंडी से जेल भी गई है। इसी का पति कुर्बान है जिसको आज गिरफ्तार किया गया है, और इसकी बहन मुस्कान, इन तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके तीन अन्य साथी हैं जिनके नाम प्रकाश में आ गए हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं, शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा, और घटना में प्रयुक्त जो बाइक हैं उनको भी बरामद करने के लिए पुलिस तत्परता से प्रयास कर रही है। क्या कोई ज्वेलर्स भी इसमें शामिल है, जिस तरीके से तीन लोग हैं, किसी को इन्होंने सामान बेचा है, बेचने का प्रयास किया हो? जी, इन्होंने पूछताछ में बताया कि किसी सहारनपुर में किसी दुकान पर इन्होंने ये गलवाया है, और उस चीज़ की हम जाँच कर रहे हैं। बचा हुआ सामान ये लोग गलवाने बता रहे थे कि कहीं सरसावा की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने इनको चेकिंग के दौरान पकड़ा है। और इसमें जो तीन मुख्य अभियुक्त और घटना में शामिल थे, उनसे पूछताछ में और भी डिटेल्स सामने आएंगी। क्या ये सर जो महिलाएं हैं, इनके ये रिश्तेदार हैं जो साथ में, या फिर कौन है? जी, ये सभी रिश्तेदारी में ही हैं। इनकी रिश्तेदारी, ये दो महिलाएं कोतवाली देहात क्षेत्र की, ग्राम सरकड़ी की रहने वाली हैं, और एक बेहट का रहने वाला है, और जो तीन फरार चल रहे हैं वो भी इन्हीं के रिश्तेदारी में ही हैं। जो काफी है सर, जो इसको गला रहा है, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि चोरी का सामान है? जी, अब इसकी जांच, ये तो विवेचना का विषय है कि जिस सुनार को इन्होंने बेचा है, इन्होंने क्या बोल के बेचा है, किस रेट में बेचा है, उस चीज़ की पूरी पड़ताल होने के बाद ही उस पर कमेंट किया जाता है। सर, काफ़ी मात्रा में सोना था उस समय दुकान पर, क्या मानते हैं, इससे पहले भी ये लोग जाते रहे उस दुकान पर? जी, इन्होंने पूछताछ में बताया कि जो शीबा है, इसका काम ज्वेलरी से रिलेटेड फेरी करने का है, और ये बताया इसने कि इस दुकान पर ये पहले भी गहनों की साफ सफाई हेतु जाती रही है, जिस वजह से उस पर कोई शक ना करे, इसलिए इस बार भी ये गई और इस बार इसने घटना का अंजाम दिया। टीम को इनाम कुछ? इसके लिए टीम को 39 घंटों में सफल अनावरण करने के लिए एसएसपी महोदय द्वारा टीम को 25,000 का इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है।